भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने ठोका 13 शतक, रणजी मैच में लगाए चौके छक्कों की झड़ी। नई दिल्ली GNN, भारतीय टीम के लिए खेल चुके दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मनोज तिवारी ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में शानदार 13 शतक ठोका है। मनोज तिवारी के फर्स्ट क्लास कैरियर का यह पहला 13 शतक है। हैदराबाद की टीम के खिलाफ बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर मनोज तिवारी के बल्ले से ये दमदार 13 शतक निकला है। बंगाल की टीम के लिए खेलते हुए रणजी ट्रॉफी 2019-20 के राउंड 6 के एलिट ग्रुप ए और बी के मैच में मनोज तिवारी ने 414 गेंदों पर अपना 13 शतक पूरा किया। इस 13 शतक तक मनोज तिवारी ने 30 चौके और 5 छक्कों की मदद से अपनी पहली फर्स्ट क्लास ट्रिपल सेंचुरी पूरी की। इस दौरान उनका स्ट्राइक कैरेट करीब 72 का रहा, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए काफी बड़ी बात है कि उसने पारी को चलाए रखा। 13 शतक के बाद पारी की घोषणा। 34 साल के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने इस 13 शतक में करीब आधे रन सिर्फ चौके और छक्कों की मदद से बनाए, वही करीब 150 रन दौड़कर। ये दर्शाता है कि इस उम्र में भी मनोज तिवारी की फिटनेस लाजवाब है। उधर मनोज तिवारी का 13 शतक होने के बाद बंगाल टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने 151.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 635/7 स्कोर पर पारी की घोषणा कर दी। इस स्कोर से मेहमान टीम हैदराबाद पर मानसिक दबाव होगा। बता दें कि साल 2008 में मनोज तिवारी ने अपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसके बाद से उन्होंने 2015 तक कुल 12 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 23.92 की औसत से 12 पारियों में सिर्फ 287 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। वही 3 T20 इंटरनेशनल मैच में मनोज तिवारी ने एक पारी में बल्लेबाजी की थी, जिसमें 15 रन उन्होंने बनाए थे। आखिरी मैच मनोज तिवारी ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। आपका मनोज तिवारी के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।